अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज जी मौसम की सूरत हाल हमारे पास जो है ना वो भी बता देते हैं। अभी आप भी कहेंगे कि आप मौसम की सूरत हाल जो है वो बताती रहती है, तो हमारे इलाके की सूरत हाल का भी सबको पता चल जाता है। आज गर्मी शिद्दत की है और ज़ोरों शोर से है। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है। मोहम्मद सुबहान और फजर ने कपड़े पहन लिए जी, जो हम लोग लेकर आए थे ईद के लिए। तो मोहम्मद सुबहान के कपड़े जो हैं वो थोड़े छोटे निकले हैं, तो इसलिए दो सूट बाकी के जो हैं वो हम चेंज करवा लेंगे। बाकी सब बहन भाई बोल रहे थे कि आपने फजर के लिए शॉपिंग जो है वो ठीक नहीं की, बस एक ही सूट लिया है। मोहम्मद सुबहान के लिए आपने तीन तीन लिए, तो ऐसी बात नहीं है। मैं फजर के लिए इसी महीने के शुरू में मैंने दो फ्रॉक इसके लिए लिए थे, एक जब स्कूल का फंक्शन था, एक पहले लाए थे और फिर उन्होंने कहा ये नहीं तो फिर दूसरा। यानी कि इसके पहले भी कपड़े थे और बाकी मैं बुनियान के कपड़े में लेना चाह रही थी कपड़े, तो दो तीन शॉप्स पे हम गए तो उन्होंने कहा कि भई बाजी जो है ना हफ्ते को आएगा हमारे पास माल, बुध को आएगा और जुमेरात और जुमे को हम लोग ओपन करेंगे और आप ना हफ्ते को आके ले लेना। तो इसलिए फिर मुझे रोज़ा भी था, तारिक साहब ने जो भी शॉपिंग की है उन्होंने ही की है, जो थोड़ी बहुत वो कर सके हैं तो वो हम करके आ गए घर। तो आपको पता है कि रोज़े में और इतना ज़्यादा रश में शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैंने इनको पहना दिया क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं इनकी फूफो के पास उनको ईदी देने के लिए। मोहम्मद सुबहान ने शुरू में बता दिया तो मैंने इनको कपड़े पहना दिए, बाकी चेक भी हो गए। मोहम्मद सुबहान के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगे हैं। और आप सब ने भी माशाल्लाह बोलना है, बड़े है? चलो ठीक है, बड़े है। मोहम्मद सुबहान का दिल रखने के लिए कह रहे थे। हाँ जी, गर्मी को सर्दी और सर्दी को गर्मी बोलते हैं। और गर्म पानी जब होता था तो कहते थे मामा ठंडा है और ठंडे को गर्म कहता था। तो हाँ जी, और छोटों को बड़ा, खुद ये बड़ा है, खुद ये छोटा है तो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। चलो बेटी, अभी बच्चे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं और मैं भी अपनी तैयारी जो है वो कर लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं जी। ठीक हो गया जी, अच्छे लग रहे ये वाली भी, ऐसे कान पे करो ना ऐसे करके। फजर भी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, है ना मोहम्मद सुबहान? आप भी प्यारी लग रही है ना? नहीं, फजर ने नहीं तोड़ी है, मोहम्मद सुबहान ने तोड़ी है। इसने फजर की पहनी हुई, मैं अपनी बेटी को नई ऐनक भी लेकर दूंगी और टोपी भी, क्योंकि इसको जरूरत है टोपी की जब ये स्कूल जाती है। हाँ नहीं लेकर देंगे। चलें जी, अभी हम लोग भी तैयार होती हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। और मौसम अभी आस्ता आस्ता जो है ना हवा चलनी शुरू हो गई है, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चलो तू तू मेरे वे तो ताल लियो, अब तो वे न ताल लियो, हम पोते पा दे रहे इधर ना जाते जाते रेंड नहीं करेंगे भी। मोहम्मद सुबहान बोल रहे हैं कि आप जल्दी करो, आप ही रेंट निकाल रही हो यानी कि जुए निकाल रही हो, हमें लेट हो गया। वैसे चेक किया ना, हर रोज़ चेक करना चाहिए कि सर में कितनी बड्डी छड्डी आई है स्कूल से ना, अक्सर होते हैं लेकिन माजूर बजर के स्कूल के जो बच्चे हैं वो सॉफ्ट होते हैं उनके सर में। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी जो है वो हो चुकी है और मैंने ये सिस्टर का दिया हुआ सूट जो है वो पहन लिया। थोड़ा सा वो लग रहा था कि खुला है लेकिन रेडीमेड कपड़े जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जी तारिक साहब की तैयारी भी हो चुकी है, तो वो अक्सर हमें कहते हैं कि जल्दी करें जल्दी, लेकिन खुद जो है वो एंड पे तैयार होते हैं। तो अभी हम लोग जो है निकलते हैं क्योंकि टाइम जो है वो भी काफ़ी हो चुका है, तकरीबन अफ्तार में रहता है डेढ़ घंटा, है ना तारिक साहब? डेढ़ घंटा रहता है और फिर हम लोग जो है ना पहुँचते पहुँचते इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक रहती हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक हो गया। चलें तो यहाँ पे जो है फ्रिज को मैं बंद करके जाऊँगी क्योंकि हमें जो है लेट हो जाएगी, तो 5 बजे इसको बंद करते हैं। यहाँ से जो है ना ये मैंने निकाल दिया, अब फ्रिज हमारी जो है वो बंद हो चुकी है, तो इसमें जो है बर्फ़ वगैरह जो है वो बन चुकी है कटोरियों में, इधर भी और इधर भी। बंद करके चेक करते हैं, अगर चलती हो ना तो फिर जो है करंट लग जाता है, यहाँ पे बनी हुई है। तो बस अब इसको कर देते हैं बंद, ज़्यादा खोलते नहीं अभी। ये काम तारिक साहब के हैं कि उसने कटोरी ये वाली ऊपर रख दी है, नीचे रखनी थी तभी इसमें बर्फ़ बनती, इसमें बनी हुई थी ये उठा के उन्होंने ऊपर रख दी थी। इसको अब बंद कर देते हैं और हमसायों की जरूरत होगी तो जो उठा लेंगे फिर।
दरवाज़ा जो है ना उसको भी करते हैं बंद। तो माशाल्लाह जी आज हमारा वैसे किचन जो है ना वो सुना सुना लग रहा है, क्योंकि आज हमने कुछ बनाया नहीं है इसलिए। और मैं कह रही थी माशाल्लाह ये वाला जो फूल है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर नए नए फूल जो है वो निकल रहे हैं। विद्या तारीख सब तैयार हो चुके हैं लेकिन इस साइड पे मेरे ख्याल में कोई आ चुका है। सूजी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सूजी। तो सूजी जो है ना इसको मैंने अंदर बुलाया। अरे दोनों जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो उधर वो पी लो, वो उधर पड़ा हुआ दूध पी लो दूध, वो उधर चलो आ जाओ सूजी आ जाओ आ जाओ दूध पी लो। तो इसको ना अंदर बंद करना पड़ता है वरना जब तारीख साहब निकलते हैं ना तो ये भी साथ में निकल जाते हैं। इधर ऐसे करके ना इसको बंद करना होता है अंदर। ओए 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 चले जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको बंद कर दिया है अंदर और अब हमसाए जो है ना वो इसको निकाल देंगे जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे तब। चलें जी तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं और गंदम का कलर चेक करें जी, दिन ब दिन दिन ब दिन वो तो सुनहरी होता जा रहा है। इस साइड पे हरियाली है क्योंकि बरसीन अभी हरा है, इसका भी ये आखिरी फ्लो है। आराम से आराम से, इसलिए मैं यहाँ से चढ़ती नहीं हूँ बंदा ना गिरने लगता है। अच्छा ये वाली जो है टाली का दरख्त है, इसकी साइडें जो है वो हरी है और एक जो है ना शाख ऊपर वाली वो ऐसे है ना, क्योंकि ये वाला जो दरख्त है ना ये अभी नापैद होता जा रहा है ना तारिक साहब, ख़त्म होता जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अभी नहीं है। अभी जी हमारा सफ़र जो है वो जारी है, बस थोड़ा ही टाइम रोजे में भी रहेगी और हमारे पहुंचने में भी। चले चलिए जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना फजर के फूफो के घर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद सुबहान कह रहा है कि ये फिर रहा है फूफो का घर, ये फिर रहा है। और माशाल्लाह से इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत सा सीन है, साथ में खजूर का दरख्त। खजूर का दरख्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और प्यारा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे जी है उनका खेतों में घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुँच चुके हैं और तारिक साहब ने कहा है कि चुप 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 सरप्राइज़ देना, पता ना चले। अभी उनको पता चल गया कि मोटरसाइकिल की आवाज़ से मच्छर काफ़ी ज़्यादा था। मोहम्मद सुबह ने सारी चीज़ें जो वो उतार दी, फिर मैंने हाथ में पकड़ ली थी। हाँ जी की हाल चाल ने ठीक हो, शोधिया मरियाँ भैया इतनी कमज़ोर है ना तारिक साहब, इसी तरह कमजोर इनके जानवर ज्यादा ही कमजोर होते हैं, लेकिन ये चारा देखे चारा इनके आगे पड़ा होता है। आ जाएं कोई भी नहीं है। तारिक साहब ने पहले बोला कि आप देख रहे हैं कोई है उनके पास आया हुआ, तो नहीं है कोई भी नहीं आया हुआ, हम ही आए। तो सामान वगैरह जो ना वो भी हम लेकर आए, ईदी देने आए हैं ना इसलिए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना आप ही लोगों के घर जो है पहुँच चुके हैं और आप पी फजर और तारिक साहब जो है ना वो उधर ही बैठे और मैं आई हुई हूँ साथ, यानी कि जो आप ही की सास है ना वो मेरी अब्बू की फुफ्फो हैं। तो इसलिए फिर मैं जो है ना उधर आ गई थी उनको मिलने के लिए। तो वो अपने छोटे बेटे के पास रहती हैं और वो वाला बड़ा बेटा है। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे आए तो माशाल्लाह उनका घर का जो माहौल है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल जो है ना ऐसे गाँव का हिसाब जैसे होता है सेम इसी तरह। उस साइड पर उन्होंने अपनी मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं और साथ में जानवर वगैरह जो है वो भी बांधे हुए हैं। और सबसे अहम जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है वो है जी अल्लाह पाक का घर, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है साफ़ सुथरा ऐसे वो रखती हैं। माँ जी खुद ही दरवाजा जो है ना अभी इसका जो है ना उन्होंने यानी कि उन्होंने खुद ये अल्लाह का घर जो है वो बनाया और अपनी इबादत करती हैं यहाँ पर, यानी कि इधर घर से जो है निकल कर इस साइड पे आ जाती हैं। वो अभी भी यहाँ फिर रही थी तो फिर मुझे दिखा रही हैं कि देखिए माशाल्लाह मैंने कैसा बनाया हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, आपको पता है कि अल्लाह का घर जो है वो तो जहाँ पे भी हो खूबसूरत ही होता है और अभी दूर से भी नज़र आ रहा है। भाई इन्होंने भी एक छोटा सा डॉगी रखा हुआ है जैसे हमारा है सेम ऐसे ही। तो वो तो जैसे ही हम लोग आए हैं ना
तो वो भौंकना शुरू कर दिए। और इस साइड पे ये हो चुके हैं जी, तैयारी हो चुकी है, खब्बड़ बोलते हैं इनको, गंदम को बांधने के लिए ना, ये चावल का जो होता है ना ऊपर वाला, उससे तैयार करते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले, ये वाले पराली जिसको बोलते हैं ना उससे। अब बच्चों के काम चेक कर लें, नहीं करो फजर, वापिस आ जाओ फजर, पाँव गंदी हो रहे हैं, नीचे पानी है। हाँ जी भैया, ये कौन से ले लिया है? ये लो, बच्चे जो है ना वो यहाँ पे आके खुश हो चुके हैं बच्चों के साथ मिलके, खेल खोल के क्या करना है, आज तो चलिए जी, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस आप ही लोगों के घर, इधर आप ही लोगों के घर है, इधर उनके जो है ना बाकी ससुराल का ससुराल जो है वो, तो यहाँ पे चेक करें कितनी ज्यादा बनी पड़ी हैं पाथियाँ, थापियाँ बोलते हैं इनको, वो खुश्क होंगी तो इनको ईंधन के तौर पर ना जलाएंगे। तो अभी रोजे की इफ्तार का टाइम जो है वो होने वाला है और हम लोग भी जा रहे हैं, छोटे रोज़ेदार जो है ना वो रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो चुका है और माशाल्लाह से हमारी इफ्तार में क्या क्या आज का मेन्यू है, तो समोसे हम लोग अक्सर नहीं जो है खाते हैं इफ्तार में ना, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं, और यहाँ पर जी आज समोसे हैं, साथ में खरबूजा है, केला है, और ये हैं जी क्या है ये तारिक साहब, क्रीम रोल, ये सैंडविच है, और साथ में ये क्या है, बोटियाँ जैसे मैंने बनाए थे ना कल पकौड़े, तो ये वो हैं। तो अभी जल्दी से हम जो है इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं तसल्ली से, क्योंकि बाकी फैमिली जो है ना वो भी आ जाएगी, वो इधर उधर है इसलिए। तो इफ्तार का टाइम हो चुका है हमारा, हाँ जी तारिक साहब बोल रहे हैं कि गुगु बज गया, हमारे पास ये जो है सुनाई नहीं देता अक्सर, तो हम लोग टाइम के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से मस्जिद साइडों पे हैं और सुनाई देती है बस। तो अभी जी माशाल्लाह से शाम हो चुकी है और हमारी इफ्तारी जो है ना वो भी हो चुकी है, बर्तन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और आज बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मिल के खेले हैं, और इस साइड अभी तारिक साहब जो है ना वो दे रहे हैं आप ही को ईदी, क्योंकि हम कपड़े नहीं लेकर आए, हम उनको पैसे दे देंगे वो खुद ही ख़रीद लेंगे, है ना। अब आ जाए भाई, चलो मोहम्मद सुबान, अभी तारिक साहब जो है ना वो गिनती कर रहे हैं, ये फलां बंदे का, ये फलां बंदे का, चलिए जी। तो फाइनली हमारी जो है ना तैयारी हो चुकी है और रात भी हो चुकी है और बादल भी बन रहे हैं, लगता है बारिश फिर आएगी, एक दफ़ा हम पहले आए थे तो ऐसे ही बारिश आ गई थी, और आज फिर मौसम जो है ना वो वैसे ही बन रहा है। तो अभी रात होगी और अब हम लोग निकलते हैं घर को, सुबहान चले फूफो मेले, हाँ जी सुबहान भाई स्पेशली फूफो को ईदी देने आया था ना, वो बोल रहा था कि हम लोग जा रहे हैं फूफो को ईदी देने के लिए आज। चलिए जी, तो अभी पहली दफ़ा हम रात का सफ़र कर रहे हैं ना तारिक साहब, अभी गंदम कैसी लग रही है, अंधेरा है कैमरे में तो इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा, लेकिन वैसे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। लोग जो है ना जा रहे हैं घर वापस, और यहाँ पर हमारा जो छोटा सा टाउन पड़ता है ना बस उसके करीब करीब है, इसलिए रोशनियाँ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई, और आज का हमारा सारा जो व्लॉग था वो समझ ले ट्रैवलिंग व्लॉग था, सफ़र 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 में किया वो सब। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग आ चुके हैं कुल्फी लेने के लिए ना, बच्चों ने कहा है स्पेशल फरमाइश की है कि आप ना हमें कुल्फी लेकर दें, माशाल्लाह भाई ने बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं कुल्फियाँ। यहाँ पे जी अभी हमने कुल्फियाँ जो हैं वो ले ली हैं, और बंदा देखे खा रहा है, ये तारिक साहब की और एक मेरी, और इधर फजर जो है ना वो भी अपनी खा रही है। आपने खा ली है ना, ये मैंने अभी खा ली, और मोहम्मद सुबान अभी उतार देना, वो बेचारे को कुल्फी नज़र नहीं आ रही, अभी कुल्फी नज़र आ रही है। चलें जी आज इस छोटे से व्लॉग के एंड कर दें आप यहीं पे, तो इस व्लॉग के एंड करो, तो आज की व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। सारी फैमिली हमारी जो है वो कुल्फी एंजॉय कर रही है।